Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव में अचानक एक बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। जी हां, बात करें तो मैनपुरी की करहल सीट से उतरे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को कांग्रेस ने वॉक ओवर दे दिया है। जी हां, बात करें तो करहल से घोषित की गई प्रत्याशी का कांग्रेस ने नामांकन नहीं कराया है। इससे अखिलेश यादव का कांग्रेस को समर्थन माना जा रहा है। यही नहीं, कांग्रेस ने इटावा के जसवंत नगर सीट से उतरे समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव के खिलाफ भी अपने प्रत्याशी का नामांकन नहीं कराया है। जी हां, बात करें तो कांग्रेस ने पहली सूची में करहल से ज्ञानवती यादव और मैनपुरी सदर विधानसभा क्षेत्र से जिला अध्यक्ष विनीता साक्य को प्रत्याशी बनाया गया था। ज्ञानवती को टिकट दिए जाने का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध करके उनके पुतले तक फूंक दिए थे। समाजवादी पार्टी ने जब करहल विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को प्रत्याशी बनाया तो कांग्रेस हाईकमान ने अपना निर्णय बदल दिया है। जी हां, बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय से ज्ञानवती यादव को फोन करके करहल विधानसभा क्षेत्र से नामांकन नहीं करने के निर्देश दिए। इस संबंध में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित कार्यवाहक जिला अध्यक्ष को भी सूचना दी गई। जिला अध्यक्ष और कार्यवाहक जिला अध्यक्ष ने भी करहल विधानसभा क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी ज्ञानवती यादव को हाईकमान के निर्णय की सूचना दे दी। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रकाश प्रधान ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशियों के सामने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। अखिलेश यादव पहली बार करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने सोमवार को मैनपुरी पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। अखिलेश के सामने भाजपा ने आगरा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को चुनाव मैदान में उतार कर सबको चौंका दिया है। बघेल ने भी सोमवार को करहल सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.